हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में हमने एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोलते हैं प्रीएम्बल, उसके बारे में हमने एक डिटेल में डिस्कस किया कि प्रीएम्बल होता क्या है, प्रीएम्बल का क्या क्या कंपोनेंट होता है, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पावर डिराइव करता है, इंडियन स्टेट कैसा है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बनाए हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए और कब वो इम्प्लीमेंट हुआ, क्लियर है, और क्या उसका स्टेटस है प्रीएम्बल का, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, क्लियर है। तो आज पॉलिटी के जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम अपना जो टॉपिक आज का जो डिस्कशन का रहेगा हमारा, वो रहेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका आइडिया कैसे आया और कैसे उसने एक टाइमलाइन के साथ आगे एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कैसे हमारे लोगों ने डिमांड रखा कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, और फिर वो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर अप्लाई किए, बार बार अप्लाई किए हमारे लीडर्स, उसके लिए एजिटेशन भी किए कि हमारे लिए आप एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और धीरे धीरे हमें आप आज़ाद करने की कोशिश करो, क्लियर है। ऑब्वियसली वो तो चाहते थे कि सडनली, मतलब जितना जल्दी ब्रिटिशर्स चले जाएं, लेकिन ब्रिटिशर्स भी उन्होंने क्या किया, हमारे लोगों के पेशेंस को चेक किया कि कितना वो हैं, और जैसे एजिटेशन ज़्यादा बढ़ता था तो फिर वो उसके अनुसार वो अपना अलग अलग जो होते हैं ना कि पॉलिसीज अपना के और उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश करते थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी का था 1942 में, वो एकदम हद पार कर दिया था, मतलब जो नेशनल लेवल था वो एक एक्सट्रीम लेवल पे था। उसके उस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की जो कमर है वो पूरी तरीके से टूट गई और लास्ट में उनको फोर्स होना पड़ा कि वो बैकफुट पे एक्चुअली उस मूवमेंट के बाद आ गए थे, और उसके बाद उनको देना ही पड़ गया क्योंकि वो भी देख रहे थे कि अब इतना एजिटेशन हो रहा है, हमें भी अच्छे से प्रॉफिट हो नहीं रहा है और अब इनके ऊपर रूल करना भी बहुत मुश्किल है। तो वो हम लोग तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में, और भी वो अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हुआ है, तो उसका एक क्या टाइमलाइन रहा है, कौन कौन से मेन लीडर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए, और ये लेक्चर के बाद एक और लेक्चर इसके ऊपर एक्चुअली रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो में ही अपने जो भी टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपको फिर रिवीजन में ये चीज़ें कम वीडियो जो रहता है तो जल्दी से रिवीजन हो जाता है, तो वो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 2 रहेगा ये, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टाइमलाइन दिख रहा होगा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अचानक से तो नहीं कोई भी टॉपिक आ जाएगा कि अब आज ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। पहले किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, क्लियर है, फिर वो धीरे धीरे और लोगों के मास में गया होगा, फिर लोग एजिटेशन किए होंगे, तब जाके ऑब्वियसली बना होगा। तो ये जो सबसे पहला जो आइडिया आया कि इंडिया के पास भी अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो 1934 में जो हमारे एक कम्युनिस्ट लीडर थे एमएन रॉय, उन्होंने प्रपोज किया कि इंडिया को अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो ये आइडिया देखिए, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो ये किसने किया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा इस चीज़ को, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि एम एन रॉय जो कि 1934 में, ये एक्चुअली एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने प्रपोज किया कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए जो इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्लियर है आपके लिए, की पॉइंट क्या है कि एमएन रॉय को याद रखना है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को प्रपोज किया था, और अगर आप टाइमलाइन भी याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो एक स्टोरी बन जाएगा कि 1934 में एमएन रॉय ने प्रपोज किया। अब जब वो प्रपोज किए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, क्लियर है, अभी वाला कांग्रेस नहीं, उस समय आज़ादी के पहले वाले जिसमें कि हमारे सारे लीडर्स उसमें हुए करते थे जो फ्रीडम फाइटर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि यस, इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की ज़रूरत है, और ये आइडिया उन्होंने अपने
जो सेशन है 1935 के सेशन में उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, इस डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एम एन रॉय एक इंडिविजुअल पर्सन ने प्रपोज किया कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए। और फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि कब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम इस डिमांड को एक्सेप्ट किया, तो 1935 में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जो इंडियन नेशनल INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, फ्रीडम के पहले का, अभी का कांग्रेस के बारे में कोई भी बात नहीं हो रहे हैं, क्लियर है। इस समय हमारे मेन लीडर हुआ करते थे वो, मतलब वो असली कांग्रेस था देखा जाए तो, क्लियर है वो, ठीक है छोड़िए। सो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि इंडिया के पास, इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की ज़रूरत है जो इंडिया के लिए अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा। इसी से इन्फ्लुएंस होके 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। एक्चुअली इस समय क्या हुआ था कि हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, 1935 एक्ट आएगा उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस पे यहाँ पे एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जो अलग अलग प्रोविंस में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपना वो जैसे अभी के CM है तो उस समय वो मतलब कि एक तरीके से रूल करते थे छोटे से पार्ट में और कम पावर उनको दिया गया था। तो इस तरीके से उसी समय जवाहरलाल नेहरू जो थे बाकी और लीडर के साथ मिलके उन्होंने भी ये डिसाइड किया, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में तो बोल दिया कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए, लेकिन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट ये बात को बोला कि भैया हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए लेकिन हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाएंगे, कोई बाहरी हमारे वो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाएंगे उसमें उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो तीसरा आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अपना डिक्लेयर किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगा वो बाहरी आउटर का इन्फ्लुएंस आउटर साइड का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उस समय आउटर साइड कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, मतलब हमारे लोग अपने लिए खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, न कि ब्रिटिशर्स के अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो ये कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में दिया था। अब देखिए, जब जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर ली तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब एक इंडिया का आवाज़ हुआ करता था, क्लियर है। तो अब ये अपना हर जब भी मीटिंग होते थे 36-37 जब भी हुआ वहाँ पे हमेशा ये ब्रिटिशर्स के सामने अपना एक लेटर भेजते थे, पिटीशन भेजते थे, एजिटेशन करते थे कि आप सुनो हमारी बात को, हम डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, क्लियर है। तो जब ये बात जब 1940 में मतलब 5 साल बाद अंग्रेज़ों को ये समझ में आई या उनको समझ में आया कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो डिमांड कर रहा है अब इसका बहुत ज़्यादा हो गया और अब हमें इसके बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और हमें जो शासन व्यवस्था है हमें उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ेंगे, क्लियर है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उनको क्या बोलना चाहिए, कैरेट, एक अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी, तो उसमें एक कैरेट मतलब मिठाई देना, किसी को थोड़ा सा कुछ दे के खुश करने वाली बात होती है ना। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने 1940 में एक ऑफर निकाला, एक्चुअली ये अगस्त के महीने में आया था इसलिए इसको अगस्त ऑफर बोला जाता है। तो उन्होंने ये बोला कि इस अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया कि हाँ इंडिया के लिए हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे वो एक्चुअली देखिए 1940 का इरा क्या है आप लोग को अगर पता होगा तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से लेके 1945 के बीच में लड़ा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 to 1918 के बीच में लड़ा गया था, 1914 से लेके 1918 के बीच में, और सेकेंड 1939 से लेके 1945 के बीच में लड़ा गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हमारे जो उस समय के जो लीडर थे जैसे मेन थे उस समय महात्मा गांधी, उन्होंने ये बोला कि हम एज ए इंडियन ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करना चाहिए,
ताकि इसके एवज में वो लोग क्या करेंगे कि हमें वो स्वतंत्रता दे देंगे, हमें इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, क्लियर है, बल्कि उल्टा और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कड़े कड़े कानून हमारे यहाँ रहे, जैसे रॉलेक्ट एक्ट हो गया, फिर जालियांवाला बाग आप लोग सुने होंगे जो 1919 में हुआ था। तो इससे ना हमारे जो लीडर ले उन्होंने सोचा कि यार हम लोग इनको कोऑपरेट किए और हमें लगा कि ये अपना समझ के हमें इंडिपेंडेंस दे देंगे, हमको और फ्रीडम देंगे, स्वराज देंगे, लेकिन उल्टा ये लोग तो और हमारे ऊपर मतलब कि कड़े कड़े कानून लेके आ रहे हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय हमारे इंडियन ने पहले ही डिसाइड कर लिए कि हम लोग ब्रिटिशर्स का तो साथ बिल्कुल ही नहीं देंगे, ये हमारे लिए कुछ करते नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हम उनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों हम इनके इस पर्टिकुलर जो ब्लडी जो वॉर हो रहा है इसमें हम लोग साथ दें। तो इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे लीडर एकदम आतुर हो गए थे कि हमें सपोर्ट तो इनको करना ही करना नहीं है। तो अब ऑब्वियसली अपने साइड उन किसी को लाने के लिए अगर कोई रूठा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उसको क्या करना पड़ेगा, लालच तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए इनके कान में मतलब कि क्या बोलना चाहिए, ये ड्रॉप गया कि ये 1935 में ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, तो चले इनको थोड़ा सा खुश करने के लिए बोल देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि चलिए हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली देंगे ताकि ये लोग हमको वॉर में सपोर्ट करेंगे। और ये याद रखिए, अगर इंडिया सपोर्ट नहीं करता ब्रिटिश को इस वॉर में, तो ब्रिटिशर्स की इतनी औकात ही नहीं थी कि वो जीत जाते, हमारा मिलिट्री सपोर्ट इतना थे, हमारे लोग जाके लड़ते थे, इसके कारण ये लोग बहुत ज़्यादा कूदते थे, समझे, हमारे ही मतलब बदौलत ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा वो होते थे। तो इनकी अपनी खुद की कोई वैसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कर लेते, लेकिन ठीक है। तो चलिए, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये अगस्त ऑफर, क्योंकि इस समय वॉर चल रहा था। देखिए मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ना कनेक्ट करने में काम आएगा, वो जस्ट याद आप लोग कर लोगे तो वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप कनेक्ट करते जाओगे कि हाँ 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था इसीलिए 1940 में अगस्त ऑफर आया था, अब ये अगस्त ऑफर क्या रहेगा, तो क्योंकि वॉर चल रहा है और इंडियन इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से जो इनका मेन एजिटेशन है, अगर हम उनको बोल देंगे कि भैया हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे तो ये लोग मान जाएंगे और कहीं ना कहीं हमको कोऑपरेट करेंगे। तो इसीलिए जो 1940 में अगस्त ऑफर ब्रिटिशर्स ने भेजा कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी लग दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनाया जाएगा वॉर के बाद बनाया जाएगा। तो अब वॉर के बाद बनाया जाएगा तो वो तो हम अभी 2021 के एरा में हैं कि हमें पता है कि 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, लेकिन क्या आपको जब उस समय वॉर चल रहा था तो कभी भी वॉर को कभी पता रहता है कि वो कब ख़त्म होगा, कि ख़त्म होगा भी कि नहीं, क्लियर है। तो हमारे लीडर ने इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया जाएगा और वो भी वॉर के बाद बनाया जाएगा, अब वॉर कब ख़त्म होगा, ख़त्म नहीं होगा, क्या कोई जानता ही नहीं है, अनिश्चितकालीन तक चले, इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं बनेगा फिर तो, अनिश्चितकालीन तक तो चलेगा। तो इसीलिए ये जो अगस्त ऑफर है हमारे लीडर ने ठुकरा दिया कि हमें अगस्त ऑफर मंजूर नहीं है। इसके ऊपर और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे जो अभी डिस्कस करना अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग एक टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां तक आ गए कि सबसे पहले एमिन रॉय ने प्रपोज किया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली अपने डिमांड में लिया, फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगा वो बाहरी का किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो वॉर स्टार्ट हो गया, वॉर में हमारे इंडियन साथ नहीं दे रहे थे, तो ब्रिटिशर्स उनको साथ मिलाने के लिए एक इस तरीके से प्रपोजल दिए अगस्त ऑफर के फॉर्म में कि आइए आप हमारा सपोर्ट करिए और हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, लेकिन वॉर के बाद, जिसको कि इंडियन ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये वाला ऑफर नहीं हुआ, तो फिर 1942 में उन्होंने एक बंदे को भेजा है जिनका नाम है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, क्लियर है, कि ये गांधी जी से मिले और नेहरू से मिले और मेन मेन लीडर से मिले और इनको अपने पाले में करने की कोशिश किए कि सर आप लोग मान जाइए और हमें वॉर में सपोर्ट करिए, और हम लोग देखिए हम लोग आए हैं अभी तो वहाँ से हम डिक्लेयर कर रहे थे कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, लेकिन वी आर मतलब कि हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बने, इसलिए मैं लंदन से आपसे मिलने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप लोग का क्या क्या प्रपोजल है और मैं वो जाके वहाँ पर
बात करूंगा। तो मतलब जो हम वहाँ का ब्रिटिश का पार्लियामेंट था, उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा इंडिया कि चलिए जाइए और आप वहाँ के मेन मेन लीडर के साथ में बात करिए और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए तैयारी करिए, ताकि इससे उनको लगेगा कि हाँ हम सीरियसली कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए, जिससे ब्रिटिश इंडियन हमें सपोर्ट करेंगे वॉर में। बट स्टीफन क्रिप्स का जब हम लोग आएगा नेक्स्ट टॉपिक या जब भी आएगा प्रपोजल में हम लोग पूरा देखेंगे कि इसका क्या क्या प्रपोजल था। तो इसके प्रपोजल कुछ ऐसा था कि अब देखिए 1940 में ही क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग, एक मुस्लिम लीग था जो अभी पाकिस्तान बना हुआ है, जिसको कि जिन्ना लीड करते थे इस मुस्लिम लीग को, तो ये मुस्लिम लीग यहाँ पे डिमांड करने लगा 1940 से ही कि हमें अलग पाकिस्तान की ज़रूरत है, मतलब हमें अलग पाकिस्तान बनाना है, हम इंडिया में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम है इनको खतरा है, ऐसा वो बहकाते थे मुस्लिम लोगों को, क्लियर है। तो ये जो मुस्लिम लीग है, तो जब 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन का एक ये प्रपोजल था कि केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सॉरी एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, केवल एक स्टेट रहेगा, एक यूनियन रहेगा, कोई पाकिस्तान। तो मतलब अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन ने पाकिस्तान एक अलग स्टेट बनने के दिमाग को ठुकरा दिया था। इस कारण मुस्लिम लीग इससे खफा था और उन्होंने इस पर्टिकुलर क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। और इसके जब हम लोग पाँच और भी अलग अलग पॉइंट हैं, क्या क्या प्रपोजल है, जब उसको देखेंगे तब वहाँ पर हम लोग और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था ताकि इंडियन लोग हमारे वर्ल्ड वॉर में हमारा सपोर्ट करें ब्रिटिशर्स का, और इनको हम लोग थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, थोड़ा लालच देते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। तो ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए इंडिया में, बट इसके प्रपोजल सही नहीं लगा, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों आपस में लड़ने लगे। मुस्लिम लीग लास्ट में ये बोल दिया कि हमें क्रिप्स मिशन मंजूर नहीं है, और अल्टीमेटली ये जाके फेल हो गया, क्लियर है। तो ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया। तो यहाँ तक होप आपको एक कहानी के फॉर्म में क्लियर हो गया होगा। जब यहाँ तक हो गया तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। देखिए टाइमलाइन ये भी याद रखना है, 90 कब अगस्त ऑफर आया था यही क्वेश्चन आ जाएगा, क्रिप्स मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था, या इन तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब टाइमलाइन के अनुसार में अरेंज करिए। ये प्रपोजल क्या इसको रिजेक्ट किए थे नहीं किए थे, ये भी रिजेक्ट हो गया था, क्लियर है। तो मतलब हर एक पॉइंट से आपको क्या बन सकता है, क्वेश्चंस बन सकता है। तो इसीलिए इसको आप लोग क्या करिएगा, और ऑब्वियसली देखिए मैं ये मानता हूँ कि जब आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते या फिर कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम देते तो थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करते, लेकिन जब आप लोग एसएससी जेई के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो कंटेंट सफिशियंट है, क्लियर है। बस इसी को आपको क्या करना है, बार बार देखना है वीडियो को और अपना धीरे धीरे दिमाग में बैठाते जाना है, क्लियर है। इससे क्या होगा कि आपका एक बेस बनते जाएगा, और जब हम लोग और अच्छे से एक बार और डिस्कस करेंगे विद क्लासरूम के साथ में, तो और भी आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं रहेगी, तो आप कनेक्ट करने में आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो 1946 में फिर कैबिनेट मिशन आता है। ये कैबिनेट मिशन जो थे इसमें जो मेन जो मतलब इनके लीडर थे वो एक लॉर्ड पैथिक थे, मतलब कि ये जो कैबिनेट मिशन है इनको लीड किए थे लॉर्ड पैथिक, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इनका पूरा नाम था। और ये जो क्रिप्स, ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे ये भी इनके पार्ट थे, क्लियर है। तो आप चाहो तो नाम याद रख लेना कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसको हेड किए थे कैबिनेट मिशन को, और इसमें ये भी थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी इस मिशन के साथ में आए थे। और इन्होंने फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नवंबर 1942 में मतलब कि प्रपोज किया कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, और उसका कितना स्ट्रेंथ रहेगा, लोगों को कैसे चुने जाएगा, वो सारा एक ड्राफ्ट बना के तैयार किया। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है जो बना है उसका वो कौन सा मेन मिशन था जिसके बेस पे ये बना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन है। ये कैबिनेट मिशन ही हमारा जो हमारे संविधान को बनाने वाले लोग थे कि उनको कैसे चुना जाएगा या किस मिशन से उन्हों क्या फ्रेमवर्क रहेगा लोगों का, वो कैबिनेट मिशन हमको प्रोवाइड किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो चाहूँगा कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिए। और ये कब आया था, 1946 में आया था। अब इनको अभी ब्रिटिशर्स को यहाँ से लगना स्टार्ट हो गया था
वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होता है ऊपर से ऊपर में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होता है। इतनी इनकी कमर टूट जाती है कि अब इनको लग ही जाता है कि अब इंडिया को रूल करना पॉसिबल नहीं है, अब जितना जल्दी हो सके पावर ट्रांसफ़र करके हम लोग वापस चलते हैं, क्लियर है। और इसी समय ये मुस्लिम लीग भी बहुत ज़्यादा एजिटेशन करने लगा था, कम्युनल राइट बहुत ज़्यादा इंडिया में उस समय होने लगा था। अब गदर मूवी देखिएगा किस तरीके से वो सब हो रहा था, वही सारा सीन यहाँ पे हो रहा था। तो ये लोग भी चाह रहे थे कि कितना जल्दी से हम लोग यहाँ से भागें, तो इसीलिए अब ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो गए कि चलो भैया जल्दी से इनका जो भी है काम निपटा के पावर ट्रांसफ़र करके हम लोग निकल लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर रूल करना पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो कैबिनेट मिशन का नहीं एक फ्रेमवर्क दिया है उसको फ्रेम करने का कि कैसा होना चाहिए। तो होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है इसका क्या क्या कंपोजिशन है, कितने लोग थे, कैसे इनको चुना गया था, क्लियर है। तो ये भी एक ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 389 मेंबर थे, ठीक है, 389 मेंबर थे, जिसमें 296 जो मेंबर थे वो ब्रिटिश इंडिया से चुने गए थे। ब्रिटिश इंडिया मतलब कि अगर मैं भारत का यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश करूँ, जैसे सपोज़ करिए कि अगर ये एक रफ भारत का मैप है मान लीजिए, तो ब्रिटिश क्या होता था कि कुछ कुछ एरिया में, जैसे आप लोग सुने होंगे कि पहले बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट में बंटा हुआ था, तो देखिए इंडिया कैसा था, वो पोर्शन जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे उसको बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया, या उसको प्रोविंस भी बोला जाता था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस बोला जाता था, क्लियर है। और वो पर्टिकुलर जगह, जैसे जैसे यहाँ पे आप सुने होंगे कि यहाँ पे JNK था जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे राजा हरि सिंह रूल करते थे, फिर एक जूनागढ़ था वहाँ पे एक अलग राजा रूल करते थे, हैदराबाद में निजाम था। तो ये जो एरिया जहाँ पे जो पहले के राजा महाराजा लोग रूल करते थे उसको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट, और वो पोर्शन जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था उसको बोला जाता था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस या ब्रिटिश इंडिया, क्लियर है। जैसे हमारा उस समय भी एक प्रोविंस होता था और एक कमिश्नर होता था, तो जैसे हमारा अभी स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है, वैसे ही जो प्रोविंस था स्टेट को प्रोविंस बोला जाता था, और जो कमीशन जो था कमिश्नरी जिसको था वो यूनियन टेरिटरी को बोला जाता था, क्लियर है। तो अभी बस ये इतना याद रखिए कि जो हमारा इंडिया था पहले क्या था, उस पर अलग अलग जगह पर राजा लोग भी राज करते थे, और वो कुछ एरिया में हमारा ब्रिटिशर्स भी राज करते थे, और जहाँ ब्रिटिशर्स राज करते थे उसको बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया, और जहाँ पे हमारे छोटे छोटे राजा लोग राज करते थे उस पर्टिकुलर एरिया को प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। तो ये जो कंपोजिशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ब्रिटिशर्स इंडिया से भी लोग चुन के आते थे और प्रिंसली स्टेट से भी लोग चुन के आए थे, क्लियर है। तो देखिए ये अगर आप याद रख सकेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। टोटल 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इलेक्ट होके आए थे, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया मतलब क्या, वो एरिया जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे वहाँ से जो लीडर चुन के आए थे वो कितने थे, 296 थे। और प्रिंसली स्टेट मतलब ज़्यादा जहाँ राजा लोग राज करते थे वहाँ से भी कुछ मतलब कि उम्मीदवार को चुन के लाया गया था, उनका टोटल नंबर था वो 93 था। और दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि जहाँ राजा लोग राज करते थे तो ऑब्वियसली राजा वहाँ का हेड हुआ, तो वो क्या किया कि अपने खुद से उसको लगा कि हाँ मेरे राज्य में इस पर्टिकुलर बंदे को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भेजने की ज़रूरत है, तो वो पर्टिकुलर जो पर्सन था वो वहाँ के राजा के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। मतलब राजा ने बोल दिया कि हाँ भैया आप चले जाओ वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, तो वो चला गया। तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट से जो उम्मीदवार इलेक्ट किए थे वो नॉमिनेट किए गए थे वहाँ के राजा के द्वारा, जबकि ब्रिटिश इंडियन स्टेट जहाँ पे ब्रिटिशर्स तक का राज था वहाँ पे वहाँ से जो उम्मीदवार चुना गया था उनको इलेक्ट किया गया था इलेक्शन के द्वारा। और वो इलेक्शन का प्रोसीजर क्या था, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। आप UPSC का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव अगर आपको फिर भी इच्छा है तो मैं हल्का सा बता देता हूँ, देखिए क्या होता है।
जिसे राज्यसभा के जैसे लोकसभा होता है, तो लोकसभा में जो भी जितने लोग चुने जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए देख कि जनरल इलेक्शन जिसको बोला जाता है कि जैसे हमारे अलग अलग जो लीडर हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा होते हैं, डायरेक्ट लड़ते हैं और वहाँ से लड़ के वो लोकसभा में जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि राज्यसभा में लोग को कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो राज्यसभा में दो तरीके के होते हैं, एक तो कुछ जो होते हैं आप लेके 12 जो लोग होते हैं उनको डायरेक्ट राष्ट्रपति नॉमिनेट कर लेते हैं, क्लियर है, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको इलेक्शन किसके द्वारा कराया जाता है? प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कराया जाता है। इसका मतलब क्या कि जैसे जो किसी स्टेट का, मान लीजिए हमारा बिहार ही स्टेट है या यूपी स्टेट है, तो बिहार के लोग MLA चुने, यूपी के लोग MLA चुने। अब बिहार में जो विधानसभा है वहाँ पे जो MLA हैं उन लोग वोट करेंगे। अब राज्यसभा में बिहार का सीट रहता है कि इतना जो है बिहार से चुन के लोग राज्यसभा में जाएंगे, तो अब ये जो बिहार से लोग जो चुन के राज्यसभा में जाएंगे उनको कौन चुनेगा? उनको MLA जो हमारे द्वारा चुने गए हैं वो MLA चुनते हैं जो राज्यसभा में जाने वाले उम्मीदवार हैं उनको। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम लोग राज्यसभा में जो उम्मीदवार गए उनको हम लोग डायरेक्टली नहीं चुने, वो इनडायरेक्टली चुने गए। तो इनडायरेक्टली कौन चुना? मतलब जो हमारे द्वारा MLA चुने गए हैं वो MLA चुने जो राज्यसभा में जाने वाले उम्मीदवार हैं उनको। तो ये जो प्रोसीजर होता है जो राज्यसभा में इनको चुना जाता है MLA के द्वारा, उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, या हमारे राष्ट्रपति के द्वारा या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति को जो चुना जाता है वो भी यही सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब पूरा जनता, पूरे जनता मिलकर उम्मीदवार को चुनेंगे, इतने सारे उम्मीदवार, और ये उम्मीदवार फिर आगे उम्मीदवार को चुनेंगे, उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, क्लियर है। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में टोटल 296 सीट है, क्लियर है, 296 सीट है, तो एक सीट जो था वो कितने का कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितने का एरिया बनाया जाएगा? तो वो एक्चुअली एरिया के नहीं, पॉपुलेशन के आधार पर बनाया गया था। मतलब एक सीट 1,000,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब एक एरिया बनाया गया जहां 1,000,000 लोग हैं तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, फिर दूसरा एरिया जहां 1,000,000 लोग हैं वो दूसरा सीट हो गया और वहां पे वो खड़े हो सकते हैं। तो होप आपको मैं ज़्यादा मतलब एक क्लियर कर पाया हूँगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में, टोटल मेंबर कितने ब्रिटिश इंडिया से थे, प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट्स में जो भी उम्मीदवार थे उनको डायरेक्ट राजा ने नॉमिनेट किया था, जबकि ब्रिटिश इंडियन स्टेट में जो थे वो लोगों राज मतलब इंडियन के द्वारा इनडायरेक्टली रूप से चुने गए थे, जिसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ये देखिए इस पे डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन बनेगा और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। फिर भी मैं एक ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा कमिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब इतने लोग चुन के आ गए, तो अब ये चुन के आ गए तो अब इनका काम क्या है कि अलग अलग एरिया में क्या क्या लॉ होना चाहिए उसको ये बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए हमने क्या किया, सारे लोगों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, आप ये वाला पोर्शन देखिए, आप ये वाला पोर्शन देखिए, आप ये वाला पोर्शन देखिए, क्लियर है। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी तो ये में अलग अलग मेन कौन कौन सी कमेटी थी वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उनको हेड कौन कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए यूनियन पावर कमेटी बनाई गई थी। यूनियन पावर कमेटी मतलब क्या कि यूनियन का क्या पावर होना चाहिए, वो सारे पावर को डिफाइन करने के लिए, कैसे हम लोग यूनियन रूल करेगा, वो सारे पावर को बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि जहाँ भी यूनियन का पावर आएगा तो हमारे उस समय मेन लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तीनों का काम अगर आपको पता होगा ना तो आप आराम से इनको कोई भी क्वेश्चन आएगा बना लेंगे। जवाहरलाल नेहरू क्या बने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर मतलब वही पावर डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का हमारा होना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है, ये एग्ज़ाम में एक ट्रिक है कि कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस चीज़ के लिए ज़्यादा जाना जाता है कि वो जो छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट था वो हमारे इंडिया में मिलाने के लिए वो और जवाहरलाल नेहरू दोनों मिल के काम किए, लेकिन सरदार पटेल ज़्यादा इसके ऊपर काम किए। तो जहाँ भी प्रोविंस से रिलेटेड आएगा मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोलना है। डॉक्टर अम्बेडकर जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है उनको किसके लिए जाना जाता है, तो इनको बोला जाता है कि यही संविधान के रचयिता थे। मतलब जब ड्राफ्ट करने वाला कोई बात आएगा, कंपाइल करने वाली बात आएगी, तो वहाँ किसका नाम आ जाएगा, हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम आ जाएगा। और हमारे राजेंद्र प्रसाद क्या थे,
वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके जो हेड थे एक तरीके से, जैसे अभी आप लोग ओम बिरला जो हैं वो क्या करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं हमारे लोकसभा के, क्लियर है। तो वैसे ही जो राजेंद्र प्रसाद थे ये दोनों काम करते थे, वो स्पीकर का भी काम करते थे उस समय। तो देखिए जब वो पार्लियामेंट का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो दो काम करता था, जब संविधान बनाता था तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते थे, क्लियर है। तब उस समय राजेंद्र प्रसाद जब वो सीट पे बैठते थे तो उनको प्रेसिडेंट बोला जाता था, और जब वही सेम चीज़ जो अभी हमारा पार्लियामेंट करता था वो छोटे अलग अलग छोटे छोटे लॉ बनाने के लिए अगर वही कमेटी बैठती थी तो उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते थे। तो उस समय जब राजेंद्र प्रसाद जो काम करते थे वो स्पीकर का काम होता था। तो अब अल्टीमेटली राजेंद्र प्रसाद का काम, मेन काम क्या है आप लोग दिमाग में रखिएगा, कि वो स्पीकर जैसा काम करते थे। तो अगर वो स्पीकर जैसा काम करते थे तो प्रोसीजर कमेटी, जैसे ये लोकसभा में ये प्रोसीजरल कमेटी होती है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर रोल कौन बनाएंगे, जो उनको हेड कर रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, क्लियर है। स्टीयरिंग कमेटी भी किससे रिलेटेड है, ये दोनों कमेटी अभी भी पार्लियामेंट में ये कमेटी पाई जाती हैं, तो मतलब ये पार्लियामेंट में अभी भी पाई जाती हैं, तो मतलब इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, स्पीकर का रोल रहता है। तो उस समय हमारे स्पीकर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अल्टीमेटली हम याद कर लेंगे कि जहाँ भी रोल ऑफ प्रोसीजर कमेटी आएगा और स्टीयरिंग कमेटी आएगा तो वहाँ पे हमारे कौन आ जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप लोग याद रख लेंगे, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी स्टीयरिंग कमेटी इज रिलेटेड विद पार्लियामेंट, और उसमें पार्लियामेंट के जो हेड कौन थे हमारे, एक तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो वो उसको हेड करेंगे। तो ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आते हैं ये दोनों चीज़ में, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। तो अब हमारे ये यूनियन जहाँ भी वर्ड आ गया मतलब हेड, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू, मतलब उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो इन दोनों कमेटी को, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, दोनों को कौन हेड करेंगे, जवाहरलाल नेहरू करेंगे, क्लियर है। तो होप आपको पहला दूसरा भी क्लियर हो गया होगा और सिक्स सेवन्थ भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि प्रोविंशियल, देखिए तो जहाँ भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, मतलब कि प्रोविंस का हमारे सेंटर के साथ क्या रिलेशन रहेगा, तो उसको कौन नेगोशिएट कर रहे थे, सरदार पटेल अलग अलग स्टेट को मिलाने की बात कर रही थे, तो उनके साथ रिलेशन के लिए फिर उनको कौन हेड करेगा, क्योंकि उस एरिया में वो एक्सपर्ट एक तरीके से हो गए थे। तो ऑब्वियसली सरदार पटेल ज़्यादा अच्छा से उनको बनाएंगे कि वो लोग भी खुश रहें, सेंटर भी खुश रहे। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कौन हेड किए थे, सरदार पटेल। सरदार पटेल एक और चीज़ को करते थे, जैसे फंडामेंटल राइट के ऊपर जो अलग अलग कमेटी बनी हुई थी तो उनको वो एडवाइस करते थे, माइनॉरिटी और ट्राइबल एरिया को कैसे रूल किया जाएगा उसके ऊपर भी हमारा सरदार पटेल काम कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू किसके ऊपर काम करेंगे, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। सरदार पटेल किसके ऊपर करेंगे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, और फंडामेंटल राइट के ऊपर या माइनॉरिटी और ट्राइबल एरिया को कैसे रूल किया जाए उसके ऊपर काम करेंगे। और जो हमारे रूल ऑफ प्रोसीजरल कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, क्योंकि ये पार्लियामेंट से रिलेटेड बॉडी हैं, तो इनके ऊपर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काम करेंगे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, मतलब ड्राफ्टिंग मतलब क्या, कि जो अलग अलग कमेटी जो ड्राफ्ट जो प्रपोजल देगी उसको फिर मिला के एक बड़ा सा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। भाई सब तो अब इंडिविजुअली अलग अलग काम कर रहे हैं, तो सब लोग अपना एक रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट को फिर कंपाइल किया जाएगा एक फाइनल स्वरूप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग। तो वो हमारा कौन करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों, क्योंकि इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया का बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा। और एक स्टेट कमेटी था, तो ये स्टेट कमेटी जो था उसको जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे। तो ये टोटल 8 कमेटी थी, मेजर, क्लियर है, जिसको कि आपको याद रखना है, और मैंने हल्का लॉजिक भी दिया है याद करने का। होप अगर आपको ये समझ में आया होगा तो ये ट्रिक याद करके आप ज़्यादा देर तक याद कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं भी यूपीएससी का तैयारी करता था तो मुझे बहुत इसमें डाउट होता था, तो मैंने ऐसे ही अपने खुद से एक ट्रिक बनाया जिससे कि ये मेरे को अभी भी हमेशा के लिए याद हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं ये ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे इसका टास्क क्या था, कि ये अलग अलग कमेटी जैसे पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अब जवाहरलाल नेहरू सब लोग मिलकर डिस्कस किए, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिए। अब उसको फाइनल एक ड्राफ्ट तैयार करना, अभी इंडिविजुअल तो डालेंगे नहीं, अब इसके ऊपर फाइनल क्या क्या चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, किस चीज़ को इंक्लूड करना है और उसको कैसे कंपाइल करना है, उसके ऊपर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसका चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव
बाबासाहेब अंबेडकर। तो ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर वी आर अंबेडकर थे। और चाहेंगे तो आप अगर टोटल तो ऐसे और मेंबर थे, 6 मेंबर थे, लेकिन ये 4 मेंबर तो कम से कम नाम है आप लोग याद रख लीजिए, डॉक्टर के एम मुंशी दूसरे और अदर मेंबर में के एम मुंशी हो गए, ए के अय्यर हो गए, एन जी गोपालन अय्यर हो गए और एस एम सदुल्ला हो गए। तो ये 4 लोगों के बारे में और चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे इनके बारे में याद रख लीजिएगा। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, तो इसका टास्क था कि टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग द प्रोपोजल ऑफ वेरियस कमेटी। ये जो अलग अलग कमेटी बनी हुई थी, और इसके अलावा देखिए ये इसको बोला जाता है मेजर कमेटी, ये जितने भी 8 कमेटी ये मेजर थे, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे माइनर कम्युनिटी थे, तो वो एक्चुअली एग्जाम में पूछता नहीं है और है भी बहुत ज़्यादा, तो वो आप लोग कॉस्ट बेनिफिट नहीं है उसको याद करने का, तो आप मेजर कमेटी याद रख लीजिए। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी क्या हो गया, मेजर कमेटी एज वेल एज माइनर कम्युनिटी, जो उनके ऊपर बना था वो जो प्रपोजल दिए उसको एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया, उसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। क्लियर है? तो देखिए इसके ऊपर एक और लेक्चर आएगा, क्योंकि यहाँ पे और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे अब हो भी नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर और लगेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, थैंक यू।